कई सारे रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा चुका है कि अगर पहाड़ों में या फिर सीमा तक सीमित युद्ध हुआ तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और चीन युद्ध में हार भी जाएगा। यही वजह है कि चीन लगातार अपनी सेना को युद्ध की क्षमता बढ़ाने और किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहने के बड़े फैसले ले रहा है। लेकिन अब जेंस डिफेंस वीकली ने बड़ा खुलासा किया है कि भारत न सिर्फ चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है बल्कि भविष्य में चीन को 15 मिनट में धूल चटाने के लिए भी तैयारियां कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के जानकारों का मानना है कि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में रूस, अमरीका और चीन का मुकाबला कर चुका है, लेकिन युद्ध में इस तरीके की मिसाइल्स का उपयोग ना के बराबर होता है। इसलिए अब भारत मीडियम रेंज की मिसाइल्स के मामले में अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर रूस के बाद दूसरा देश बन सकता है। दरअसल रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार भारत मीडियम और शॉर्ट रेंज की ऐसी मिसाइल्स का जखीरा बना रहा है जिससे चीन को 15 मिनट में धूल चटाई जा सके। अगर हम भारत की बात करें तो ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रफ्तार हाइपरसोनिक मिसाइलों के बराबर होगी। इससे एंटी शिप क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल बनाने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। हम आपको बता दें कि भारत के DRDO द्वारा निर्मित ब्रह्मोस 2 की रेंज 300 किलोमीटर होगी और इसकी स्पीड Mach 7 यानी कि 8575 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं अगर हम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की बात करें तो भारत अपने पहले ही परीक्षण में अमेरिका से बराबरी करने के करीब है। रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत मध्यम दूरी की मिसाइल्स पर बहुत तेजी से और आक्रामक तरीके से काम कर रहा है और पिछले कुछ महीनों में चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने जिस तरीके से शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है ये चीन के लिए चिंताजनक है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने कभी भी अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का खुलासा नहीं किया है, लेकिन भारत की मिसाइल्स युद्ध के परिणाम बदलने की क्षमता रखती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत रक्षा क्षेत्र में इसराइल के मॉडल पर काम कर रहा है क्योंकि भारत के दुश्मन उसके ही पड़ोसी चीन और पाकिस्तान है। इसलिए भारत को मीडियम रेंज की मिसाइल्स की ज्यादा आवश्यकता है और भारत इन्हीं मिसाइल्स पर ज्यादा ध्यान भी दे रहा है। ऐसे में आपको ये जानकर खुशी मिलेगी कि हमारे वैज्ञानिक भी चीन को मात देने और भारत को रूस और अमेरिका के साथ बराबरी पर खड़ा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो ये थी भारत की मिसाइलों से जुड़ी हुई आज की लाइव अपडेट्स। फिर मिलेंगे देश और दुनिया की ऐसी ही नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।